देखिए, ये थिक प्लेन मिरर है या ग्लास स्लैब कह सकते हैं, जिसका ये पोर्शन सिल्वर्ड है। इससे मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी इमेज इनमें से ब्राइटेस्ट है। थोड़ा सोचिए कि जो ये इमेज बन रही है इल्यूमिनेटेड पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उससे बन रही है। तो आप देखिए, एक रे तो सीधी जाएगी और वो उसी पाथ से लौट आएगी। दूसरी रे जो ऑब्लिक है, उसका क्या होगा, 4% तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ओनली 4% ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, और उसको अगर हम बैकवर्ड में लाएंगे तो ये आई वन इमेज फेंट इमेज बनेगी। हाँ, 96% जो रिफ्रैक्ट होगी वो यहाँ ओपेक पोर्शन है। तो इससे फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अब अगर वो फिर से एयर में जाती है तो उसको हम मिलाते हैं पीछे करके, तो ये आई टू इमेज बनती है ड्यू टू 96% रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। इसलिए ये ब्राइटेस्ट है, बाकी सब डिक्रीजिंग ऑर्डर की, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की इमेजेस होंगी।